अनियमित जीवन शैली और बिगड़े हुए खान पान के कारण युवाओं में कोलोन कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। आमतौर पर यह बुजुर्गों की बीमारी मानी जाती थी, लेकिन अब परिदृश्य बदल चुका है। 40 वर्षीय अरुण कुमार डायबिटीज से पीड़ित हैं और डॉक्टरों ने जांच के बाद यह पाया कि मरीज को एडवांस स्टेज का कोलोन कैंसर है। कुल मिलाकर लगातार युवाओं में कोलोन कैंसर के मामले बढ़ने के कारण चिकित्सा जगत में एक नई चिंता शुरू हो गई है। दुनिया भर में के साथ ही भारत में भी कैंसर हर रूप में बढ़ रहा। महिला और पुरुष में डायग्नोज होने वाले सामान्य कैंसर में कोलोन कैंसर का तीसरा स्थान है। एक स्वस्थ वयस्क में 40 साल की उम्र से कोलोन कैंसर की स्क्रीनिंग शुरू हो सकती है। व्यापक सावधानी, शुरुआत में ही जानकारी और उचित ट्रीटमेंट के साथ जीवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन करके कोलोन कैंसर को नियंत्रित किया जा सकता है। आइए जानते हैं इसके लिए हमें क्या सावधानी बरतना चाहिए। कोलोरेक्टल कैंसर के लक्षणों में थकान, कब्ज, मल में रक्त आना, वजन कम होना, पेट में दर्द, क्रैम्प या ब्लॉटिंग शामिल है। ऐसे में व्यक्ति को अपने डॉक्टर से राय लेना चाहिए। कोलोन कैंसर को ठीक करने के लिए शुरुआत में ही इसका पता चलना जरूरी है। आधुनिक टारगेटेड थेरेपी के अंतर्गत विवेकपूर्ण ढंग से प्लांट सर्जरी और कीमो रेडियोथेरेपी से मरीज के ठीक होने के अवसर बढ़ सकते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।